आइए जानकारी लेते हैं कि ये जो रोड पे जहाँ लाखों अधिकारियों का आना जाना रहता है और जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, डिस्पेंसरी में होना चाहिए, ये आज रोड पे अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम यशोदा है, मैं राजनगर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजनगर डिस्पेंसरी से। हम लोग समान कार्य और समान वेतन चाहते हैं। तो मैडम, आप क्या कार्य करती हो, समान वेतन मिला जाए आपको? हम सब गर्भवती महिलाओं को देखते हैं और सब बच्चों को NRSM में सब बच्चों को टीकाकरण करते हैं। इंद्रधनुष जो CM ने चलाया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उनका हम सब का देखभाल करते हैं और जो भी डिस्पेंसरी में जो भी कार्य होता है हम सब करते हैं। तो इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष को सभी कहते हैं, ये केंद्र सरकार की योजना थी, अभी से दिल्ली सरकार ने अपना लिया और राज्यों ने भी अपना लिया। इंद्रधनुष है क्या ये? इंद्रधनुष है, सभी बच्चों को सभी बीमारियों से हमने बचाना है और ये हमने जहाँ जहाँ भी टीकाकरण नहीं होता वहाँ वहाँ पर जाके लगाना है। जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं जहाँ पे मजदूर लोग होते हैं वो छूट जाते हैं, उनके बच्चों को भी हमें ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है और उनके बच्चों को टीका लगाना पड़ता है। यानी कि हमें सही समय पर सही उनका इलाज करना है, सही समय पर सब टीके देने हैं ताकि बीमारियां ना फैलें।